दोस्तों किसी भी कारण से अगर आप अपना SBI का बैंक अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम SBI अकाउंट को बंद करने का सारा कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं, जैसे कि SBI अकाउंट किस प्रकार से बंद होता है, ऑनलाइन बंद होता है या फिर ऑफलाइन बंद होता है, SBI में अकाउंट को बंद कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, अकाउंट को बंद कराने के लिए क्या क्या चार्ज लगेंगे। चलिए फिर आज की इस वीडियो में समझते हैं बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन SBI अकाउंट को बंद कराने की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने सेविंग अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तभी आपका अकाउंट बंद होगा। नंबर एक, आपके अकाउंट पे किसी प्रकार का कोई लोन ना चल रहा हो, यानी कि बहुत सारे लोग क्या है ना, लोन ले लेते हैं और अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट EMI सेट करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आपको सबसे पहले जो अपनी ऑटो डेबिट EMI है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, तब आपका अकाउंट बंद होगा। बाकी का आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए। नेगेटिव बैलेंस भी बहुत सारे अकाउंट में हो जाते हैं। क्या होता है कि हमारे अकाउंट में कोई चार्ज लगता है और अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो बैंक उसको माइनस में कर देता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आपके अकाउंट में किसी प्रकार का माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि RBI का रूल है कि किसी भी अकाउंट में माइनस में या फिर प्लस में बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो जो प्लस वाला बैलेंस होता है उसको तो बैंक ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद बंद करता है जीरो करके। तो आपका अकाउंट में अगर माइनस बैलेंस है तो फिर जीरो कैसे होगा वो, इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर कोई माइनस बैलेंस है तो पहले बैंक से बात करके उसको रिमूव कराना है या फिर उसको भरना है, इसके बाद ही आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। गाइस, अगर हम बात करेंगे प्रोसेस की कि किस प्रकार से हमारा अकाउंट बंद होता है, तो देखो यहां पर ऑनलाइन अकाउंट बंद नहीं होता है। बहुत सारी बैंकें हैं इंडिया में जो कि ऑनलाइन अकाउंट बंद कर देती हैं, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, HSBC बैंक, इन बैंकों के अकाउंट ऑनलाइन बंद हो जाते हैं क्योंकि इनकी ब्रांचेस कम है इसलिए। लेकिन अधिकतर जो बैंक है इंडिया में वो अपने अकाउंट को ऑनलाइन बंद नहीं करती हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो ऑनलाइन अकाउंट बंद नहीं होगा, आपको ऑफलाइन प्रोसेस से अपना अकाउंट बंद कराना पड़ेगा। तो अगर आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं SBI में, तो सबसे पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना, जैसे कि अकाउंट क्लोजर फॉर्म। अब अकाउंट क्लोजर फॉर्म वैसे तो आपको आपकी ब्रांच में मिल जाएगा, लेकिन हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे तो आप डायरेक्टली क्लिक करके और अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकलवा सकते हो। इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक एप्लीकेशन। अकाउंट बंद कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं नॉर्मली एक पेज पर कि जो भी आपका रीजन है आप वो बता दीजिएगा, और अपने ब्रांच मैनेजर को आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट को बंद कराने का एक तरीके से अनुरोध देते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, तो वो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको अपने साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है, और साथ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिला है, पासबुक, ATM कार्ड या फिर आपको कोई और डॉक्यूमेंट है, तो वो आपको अपने साथ रखना है सारे के सारे। क्रेडिट कार्ड वगैरह को छोड़ के क्रेडिट कार्ड यहां पर आपका बंद भी नहीं होगा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कैरी करके नजदीकी SBI की ब्रांच में जाना है, जो भी आपकी शाखा है जहां भी आपने अपना अकाउंट ओपन कराया है, तो वहां पर जाकर के आपको बोलना है भैया मुझे अपना अकाउंट बंद कराना है। जैसे आप उतना बोलेंगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, तो आप घर से भर सकते हो उस फॉर्म को जो बताया हमने, या फिर आपको ब्रांच में मिल जाएगा। तो अकाउंट क्लोजर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अकाउंट क्लोजर फॉर्म में आपको सारी जानकारी अपनी भरनी होगी कि आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, सब कुछ आपको डाल देना है। एक वहां पर रीजन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया आप अकाउंट को बंद क्यों करना चाहते हैं, क्या समस्या आई। तो हर आदमी के अपने अपने अकाउंट बंद कराने के अलग अलग रीजन होते हैं। मान लो आपको कोई समस्या आ रही है, ब्रांच वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं लग रहा है आपको, या फिर कोई भी समस्या है आपका अकाउंट में, कुछ इश्यू चलते रहते हैं आपके, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहां पर टिक कर लीजिएगा, अपना अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको रीजन देना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, अकाउंट क्लोजर फॉर्म और एक एप्लीकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बैंक में जाकर के जमा कर देना है, और वहां पर जो अधिकारी होंगे वो आपकी रिक्वेस्ट को लेंगे और आपका अकाउंट बंद करेंगे। इससे पहले ध्यान देना कि जो भी आपका अकाउंट में बैलेंस है वो या तो आपको पहले ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेना दूसरे खाते में, या फिर बैंक वाले आपको कैश दे सकते हैं, तो आप कैश भी ले सकते हैं। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं बैंक में, तो 7 वर्किंग डे के अंदर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा स्थायी रूप से। अगर हम अकाउंट बंद कराने के चार्जेस की बात करते हैं कि बैंक क्या चार्ज लेता है, तो यहां पर आपको अकाउंट बंद कराने के चार्ज भी देने होते हैं SBI में। अकाउंट बंद कराने के चार्ज इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप अपना खाता अगर 2 हफ्ते से लेकर के और 1 साल के
बीच में बंद कराते हो तो आपको ₹500 प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने खाते को 2 हफ्ते के पहले या फिर 1 साल के बाद बंद कराते हो तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आप जब अपने अकाउंट को बंद कराने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा आपके अकाउंट पे। SBI में आप अपने खाते को कभी भी बंद कर सकते हो, इसका ऐसा कोई भी नियम नहीं है। लेकिन हमने आपको बताया कि 2 हफ्ते से पहले अगर आप बंद करा दो तो कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, वहीं 1 साल के बाद बंद करा दो तो भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 2 हफ्ते के बाद और 1 साल के अंदर आपको ₹500 का चार्जेस देना पड़ेगा अकाउंट बंद कराने का। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं SBI से। आप जानते हैं कि सरकारी बैंक है, कर्मचारी ठीक ठाक काम नहीं करते हैं तो लोग परेशान होते हैं, इसलिए वो अपने खाते को बंद करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप इस तरीके से SBI में अपने अकाउंट को बंद कर सकते हो। अगर बात करें ऑनलाइन प्रोसेस की तो SBI में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है अभी तक कि आपका खाता ऑनलाइन बंद हो जाए, आपको ऑफलाइन तरीके से ही अपनी ब्रांच में जाके अकाउंट को बंद कराना होगा। तो आई होप की जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।